लिए पुतला बना के एकरा मुंह पे थूका गया, बच्चों से पेशाब करवाया गया, इसके मुंह पे चप्पल मारा गया, अगर इतना भी शर्म आता ना तुमको तो तुम चैनल को डिलीट कर देती, संन्यास ले लेगी जाके कि अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे भैया, अब हम सुधर गए। आप बोलते हैं कि अंग प्रदर्शन करके वीडियो बनाती है, हाँ तो इसी बात पे लेके गोरखपुरिया जिसको आप भोजपुरिया बोल रहे हैं, भेलपुरिया बोलती है कि अगर वीडियो दिखा देगा तो जो कहे सो, नहीं दिखाएगा तो समीर चौधरी को चप्पल से मारेगा। माँ ने अगर तुझे दूध पिला के पैदा किया है तो तू मुझे मेरा बच्चे का दूध पिलाते हुए वाला वीडियो दिखा, अगर नहीं दिखाया तू एक भड़ुआ का औला। मेरा वीडियो उठा के देख लो, कमेंट देख लो। अरे भैया मेरे तू का एक्टिंग कर रही है, अरे कलाकार है तू, तुम बेकार औरत हो। कांक में इसे से जात लेंगे बाली निहर, ओखनी बुल बुल आवाज तुम्हारा निकले लगेगा कि हम बनाते हैं वीडियो। हम महिलाओं का सम्मान का बात करते हैं है? और उसी तरह बोलते हैं कि गोरखपुरिया को मारेंगे। हाँ, क्योंकि गोरखपुरिया है वो पुतना, पुतना को तो सब कोई जानते हो कि जो भैया कृष्ण भगवान के मैया रूप में आए थे ओकरा मारे ला आइलो ना, कि दूध पिलाएंगे तो उसको फिर जान से मार देंगे। जब वो पुतना जैसी राक्षसनी का वध हमारे कृष्ण जी कर सकते हैं तो ये पुतना के बहिन मुतनी के हम नहीं वध कर सकते हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम पूछने वाले हो कौन? भैया चौथा स्तंभ के तू चप्पल दिखा दिली, अगर हम रहती हो ना तो दोनों हथवा से तोरा एक्सलेटर नियर कान पकड़ के नचा देती हो ऐसे ऐसे। यही ना होती है हमारा जेल, हम जेल से ना डरिए, समझ ली ना, जेल जाना आना यही एगो लगा। जहिया देख लिए कि चारों बच्ची में से कोनो एगो बेटी के भी अगर तू गंदा वीडियो बना ली है तो तोरा उखनी आके हम मुड़ी काट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। कुछ दिन से मामला जो है बहुत भयंकर चलते ही जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक्टर समीर चौधरी जी हैं, जो कि पिछले मेरे हिसाब से 10-15 सालों से तो हैं ही भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन अब अलग चेहरा बन चुका है समीर चौधरी, क्योंकि युवाओं में खासकर महिलाओं में आपका पकड़ बहुत तेज है। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सबसे पहले तमाम दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रहा बात युवाओं में या फिर हमारे महिलाओं में पकड़ बने के, तो बस हम इतना जानते हैं कि जो भी व्यक्ति अश्लीलता या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते ना तो ओकरा लगी सब आदमी खड़ा हो जाते। जैसे हमारे भाई सब, हमारे भाई लोग भी बहुत हमारा कर रहा है, बाकी हमारे जितनी बहन लोग हमको वीडियो देख रही है, हमारे चाची देख रही हैं, हमारे दादी लोग देख रहे हैं, तो ये सब चाहती है इज्जत। इज्जत कौन महिला ना चाह है, हर आदमी की इज्जत चाहो। इज्जत के खराब करे के काम करे थोड़ी भेलपुड़िया भौजी, आखिर लोग भी कह रहे हैं कि भैया आप लोग मतलब भेलपुड़िया काहे बोल रहे हैं, तो किसी समाज की गलती नहीं होती है। अब मान लीजिए गोरखपुर जगह जहाँ है तो गोरखपुर की गलती है कि वो गोरखपुर में पैदा हो गए, कि गलती इसकी है जो गोरखपुर का नाम बेच रही है। तो गोरखपुर के महिला फोन कर रही है, गोरखपुर से विधायक लोग भी कुछ कुछ फोन किए कि समीर बाबू आप चाहिएगा तो गोरखपुर का नाम बचा लीजिएगा। तो हम काहे ना बचे भाई, दम बचे भाई, इसलिए उसका हम नाम रख दिलू भैया भेलपुरिया भौजी। लेकिन आपको नहीं लगता है जिस भेलपुरिया भौजी को आप बोल रहे हैं ये भौजी अब आपको फंसाने का साजिश कर रही है? पूरा पूरा उन्हें बोले वाला बात ना है। सबसे पहले हम तमाम भाई बहन लोग का अपना ऑडियो सुना देना चाहते हैं कि देखिए कि गेमर कितना बड़ा है। कह रही है कि हमारे बहन का तो एकरा फोन करके खुलासा हो गया। क्या करती है ना कि यूट्यूबरों को फोन कर करके बोल रही है कि समीर चौधरी के खिलाफ में वीडियो बनाओ तो हम तुम्हारे चैनल को मोटिवेट करेंगे, चैनल के तुम्हारा आगे बढ़ाएंगे। कोई आगे ना बढ़ाई था तो और भविष्य के गड्ढा में डाले के तरीका लगाए तो देख लीजिए खुलासा हो गया। देखिए तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका, और देखिए फोन आ रहा है, आप लोगों को बताएंगे किसका फोन है। पहले पूरे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, और बारिश हो रहा है दोस्तों, ठंडा का टाइम, इसलिए टोपी लगा लिए, बुरा मत मानिएगा आप लोग, इनको ज्यादा गर्मी लग रहा है इसलिए। दोस्तों आज एक वीडियो देखे दोस्तों, आप लोग देखे हुए भेलपुड़िया का वीडियो, जो कह रही है कि समीर चौधरी की बहन कॉल की है, उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। देखिए कॉल आ रहा है, उसी कॉल आ रहा है, उठाते हैं आप लोग पहले सुन लीजिए, उसी के सच्चाई के बारे में कॉल आ रहा है। देखिए हम उठा रहे हैं, उठाओ। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हम बोल रहे हैं। अच्छा कहाँ से बोल रही है? जो गोरखपुरिया भौजी है ना, हाँ, जो समीर चौधरी की बहन बन के कॉल की है, लड़की, हाँ हाँ, तो आप उन्हीं की बगल के बोल रहे हैं? अच्छा उस लड़की के घर के बगल के बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, घर के बगल के बोल रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए, वो बोल रही है कि हम समीर चौधरी के बहन है, वो कैसी लड़की है? वो तो बोल रही है बिहार, वो तो बोल रही है हम बिहार के हैं, जो समीर चौधरी के बहन है। नहीं वो गोरखपुर के ही है। अच्छा, देख लिए तमाम जनता, देख लिए भाई बहन भी हमारे वीडियो को देख लिए,
कि ये जो है ना बड़का ही नागिन है, हम बार बार ही ना बोल रहे हैं कि इस नागिन को हम जान रहे हैं कि जब ये अपने भाई पति को जब बोल सकती है कि नेपाल भेज दिलियो, जब अपन बच्चा कोई दूध पिलाते समय का वीडियो बना सकती है, जब अश्लील अश्लील वीडियो बना सकती है, यहाँ तक कि आज मालती मर गई है ना, एकरा इतना खुशी हो रहा है कि एकरा अंदर का आत्मा एकरा गवाह देता होगा। आप बोलते हैं कि अंग प्रदर्शन करके वीडियो बनाती है, हाँ, तो इसी बात पे लेके गोरखपुरिया जिसको आप भोजपुरिया बोल रहे हैं, भेलपुरिया बोलती है कि अगर वीडियो दिखा देगा तो जो कहे सो, नहीं दिखाएगा तो समीर चौधरी को चप्पल से मारेंगे। हाँ हो गए, हमारा पास तो तोरा पहुँचने की औकात नहीं है, चप्पल तो दूर के बात हो, कहे कि अरे ढेला पोछनी बकरी चढ़ाने वाली, तुम्हारी औकात नहीं हमारा तक खड़ा होने की। बस अब हम इतना कहना चाहेंगे कि अलाहाबाद की वीडियो दिखावे के, तो टिकटॉक बंद होला कितना दिन हो गलो भैया? हो गया होगा 2-3 साल हो गलो। टिकटॉक तो बंद हो गलो, टिकटॉक के समय से ही पूरा अंग प्रदर्शन करी था। अब दूसरा बात कि यूट्यूब बहुत गाइडलाइन देता है, यूट्यूब पे कोई अश्लील वीडियो जब आप डाले लगिएगा ना, जब आपका चैनल जब ग्रोथ पकड़ेगा ना, तो अश्लील वीडियो सब डिलीट कर दिया जाता है, चैनल डिलीट हो जाता। तब का चाहती हो, मैंने हम यूट्यूब के जइयो कंपनी विदेश में जाके हम पूरा तोरा छानबीन करवाएं, तू बहुत बड़ा डिप्टी कलेक्टर हो गई है, तोरा तो जब मारेंगे ना हम, जखनी तोरा कांख में ऐसे से जांत लेंगे बाली निहर, ओखनी बुल बुल आवाज तुम्हारा निकले लगेगा कि हम वीडियो हम ऐसे करते थे। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसा भड़ुआ पति है ये। अरे एक पति वो होते हैं जो पत्नी के साथ बाजार में जाइएगा ना, तो कोनो गैर मर्द जब देखता है ना, तो पत्नी को बोलता है पल्लू बढ़िया से करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने इज्जत को घर से लेके निकले हैं घर से, आई सब इज्जत बेच बेच के रुपया कमा रहा। हमारा यही नहीं समझ में आ रहा भाई, तोरा पैसा कमाना था तो भाई इस तरह का जो तुम गांव देहात की महिलाओं से विवाह करते हो, कम पढ़ी लिखी रहती है, उसके बाद तुम उस लोग को बहुत शोषण करते हो कि वीडियो बनाओ रुपया कमाओ, 1-2 लाख आ गया तो सोचता अब हम अंबानी के बेटा बेटी बन जाऊँ। कुछ नहीं, बस संस्कारहीन काम करते हैं ये लोग। एक तरफ आप महिलाओं का सम्मान का बात करते हैं, है? और उसी तरफ बोलते हैं कि गोरखपुरिया को मारेंगे। हाँ, क्योंकि गोरखपुरिया है पुतना, पुतना को तो सब कोई जानते हो कि जो भैया कृष्ण भगवान के मैया रूप में आए थे ओकरा मारेला आइलो ना, कि दूध पिलाएंगे तो उसको फिर जान से मार देंगे। जब वो पुतना जैसी राक्षसनी का वध हमारे कृष्ण जी कर सकते हैं, तो ये पुतना के बहिनी मुतनी के हम नहीं वध कर सकते हैं, एकरा तो हम यूं वध कर देवो। अच्छा एक सवाल आपसे रहेगा, गोरखपुरिया को आप मारने का बात कहें, वो आपको खुलेआम बोल रही है कि मारेंगे ये करेंगे, समीर चौधरी का तहस नहस कर देंगे, क्या सके सुअर बोलती है? कोई बात नहीं, पहले ही हम बोल दिए थे कि इसका मुंह जो है ना सुअर का पिछवाड़ा, अगर हम सुअर है तो हमारे पिछवाड़ा है, अगर मुंह है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम ये कहना चाहेंगे कह रही हमारा मारेंगे, ये कहित है समीर चौधरी करित है, नहीं कर लिए, पुतला बना के मुंह पे थूका गया, बच्चों से पेशाब करवाया गया, इसके मुंह पे चप्पल मारा गया, अगर इतना भी शर्म आया था ना तुमको तो तुम चैनल को डिलीट कर देती, संन्यास ले लेगी जाके कि अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे भैया, अब हम सुधर जाएंगे, रोरो छोड़ेंगे। रोरो के वीडियो बना रही है, अब देखें अभी भी लाइव है वो इंस्टाग्राम। हाँ झूठ मूठ के बना रही है, क्योंकि वो मुद्दा को भटकाना चाह रही है, वो कह रही है कि हमारे महादेव पति हमको छोड़ के कहूँ चल गया कि का है कि किडनैप हो गया, लेकिन हम पूछते हैं तमाम गोरखपुर प्रशासन से कि आप लोगों के ऊपर ये उंगली उठाने का काम कर रही है कि गोरखपुर प्रशासन अंधा है, गोरखपुर प्रशासन से कामें नहीं हो रहा, तो हम पूछते हैं कि क्या आप लोगों की इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं है, तो ये आप लोगों को क्यों बेच रही है? कह रही है कि प्रशासन हमारी बातें नहीं सुनता है, हर वीडियो में इस तरह का उछल उछल के। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपना ही दुकान चलाने के लिए नेता तो बेचबे करती थी, प्रशासन के भी नाम बेच रही है अपना, इसकी 4 बेटी है, हमको तो वही नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं उन बच्चियों का भविष्य ना खराब कर दे। बच्ची को भी रोवा रही थी वीडियो में, रो रो के, अरे नचवाती है बच्चियन के। अगर हम जहिया देख लिए कि वो 4 बच्ची में से कोनो एगो बेटी के भी अगर तू गंदा वीडियो बना ली है, तो तोरा उखनी आके हम मूड़ी काट लेंगे। हाँ इसलिए काट लेंगे कि तुम अपने जो तुम्हारा तो भविष्य खत्म हो गया, तुम तो गड्ढा में गिर गए, लेकिन जो बच्ची सबके भविष्य ओकरा तो बनाएवे ना कर रही हो। कुछ भाई लोग बोल रहे हैं कि भैया अगर एक यूट्यूब चैनल बंद हो जाए तो क्या करते हो? कुछ ना करते हो, ये चल जाए तो सोना गाछी हुआ जाके फिर अपना दुकान लगाई तो ठीक ना, क्योंकि हम गए थे वहाँ, वहाँ की महिलाएं जो अपना अति करती है ना शोषण, हम पूछे दीदी बताइए कि आप लोग इस तरह का काम करती हैं समाज में कहीं नहीं करती हैं, तो भैया हाथ जोड़ के बोल रही है हमने नौकरी भी लगाया उसको, आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने उसको नौकरी लगाया, तो उसने कहा कि हम किस परिस्थिति में आज हम इस काम को कर रहे हैं या हम करवा रहे हैं, हम नहीं ना चाहेंगे कि हमारे तरह कोई भी लोग बन जाए, तो बहुत खुशी हुआ कि देखिए एक ये भी महिला है जो कि पर्दा में रह के रुपया कमा रही है, अपने किस तरह से कर रही है कोई मतलब, लेकिन एगो ये महिला देखिए ये बहिला हो बहिला, ये बहिला ऐसा है, मुझे भी इस पर तकलीफ है, कुछ लोग बोलते नहीं है, ये बहिला अपने षड्यंत्र रची और इस षड्यंत्र एक मासूम का जान ले ली, चल गए ना, ये हुआ भाई जो बोला नहीं, आप लोग समझिए मेरे भाई मेरे बहन, ये अपना जो दिमाग चलाई है ना उस दिमाग में किसी का जान चला गया और उस लाश का गिंजन कर दिया, गिंजन
थू थू हो रहा है चारों तरफ। सोच लीजिए कि वो जो बच्चा था ना उसका बेटा अनाथ हो गया। वो आज एक लाइव वीडियो देखे हम जिसमें ये जो भेलपुरिया भौजी, हम भी वही कहते हैं मुझे कोई गम नहीं है, लोग बोले पक्षपात कर रहा है, ये भेलपुरिया भौजी लाइव आके रो रही है क्या कि मेरे को हर लोग बदनाम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है समीर चौधरी बदनाम कर सकते हैं, प्रीति राज बदनाम कर सकती है, इस जो इनके कमेंट में 18,000-20,000 कमेंट आता है कि सही बोल रहे हैं, वो लोग तो गलत नहीं ना होगा जी। दमाजी बात है। और कुछ लोग हैं जो एकरे दल बदलू के लोग हैं, एकरे गिरोह के लोग हैं, जो अगर वीडियो पे कमेंट करते हैं तो हमारा बोलते हैं ना मेरा वीडियो उठा के देख लो, कमेंट देख लो। अरे भैया मेरे, तू का एक्टिंग कर रही है? अरे कलाकार है तू, तुम बेकार औरत हो, कलाकार। सारे मीडिया वालों को मार के कह रही कि चप्पल दिखा रहे हैं कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम पूछने वाले हो कौन? भैया चौथा स्तंभ के तू चप्पल दिखा दे ली, अगर हम रहती हो ना तो दोनों हथवा से तुरा एक्सलेटर नियर कान पकड़ के नचा देती हो ऐसे ऐसे। यही ना होती है हमारा जेल, हम जेल से ना डर, समझ ली ना, जेल जाना आना यही एगो लगा रहा है हमने के। बस हम इतना जरूर कहो कि तू गलत जगह अभी फंस गए हैं, या तो तुम सुधार जाओ, या तो पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट करो, या तो तुम मर जाओ, तब 50 किलो हम लड्डू बांटेंगे। जय बिहार। चलिए तो आप लोग देख रहे थे राइज अप बिहार, और इस भेलपुरिया भौजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे असामाजिक तत्व को जरूर विरोध करें आप लोग। जय हिंद, जय भारत।